आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज है दिन शुक्रवार और हाँ, मेरा आजकल डेली ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि मेरे घर में लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ शूट नहीं कर पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कब लाइट चला जाए, तो जब थोड़ा सा लाइट रहता है तो उसी टाइम पर हम कुछ रेसिपी को शूट कर लेते हैं। तो रेसिपी ही लेकर आए हैं और आप लोग देखिए, और पसंद अगर आता है आपको मेरी बनाई हुई डिश तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। ये 2 चम्मच खड़ा धनिया है और 2 लाल मिर्च है, इसको थोड़ा गरम कर ले ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इतना गरम करना है इसको। फिर दरदरा मिक्सी में चला लेंगे, फिर उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल लेते हैं और अदरक लहसुन और प्याज और हरी मिर्च टमाटर, तो 2 प्याज है, 2 मिर्च है, 8-10 लहसुन है, 1 इंच अदरक है और 2 टमाटर है। तो सभी को डाल के उसको थोड़ा भून लेते हैं और उसमें 1 इंच दालचीनी डाले हैं और 1 बड़ा इलायची कूट कर। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं, आँच को लो रखेंगे। तो ये ठंडा हो गया, इसको दरदरा पीस लेते हैं। तो चलिए ये भी पक गया, अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि अच्छे से ये भी ठंडा हो जाए और इसका भी पेस्ट बनाना है। इसको ठंडा होने देते हैं, तो उसी पैन में थोड़ा ऑयल और ले लेते हैं 2 चम्मच और पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पनीर मेरा रखा हुआ था फ्रिज में। तो ये फ्राई हो गया और जो हम पनीर फाड़े थे उसका पानी भी रखा हुआ था, तो जिसको हल्का गरम कर लिए उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक डाल दिए और वही खोलते हुए पानी में पनीर को डाल दिए ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि पनीर रखा हुआ था फ्रिज में तो हार्ड हो गया था। और जब तक हम मसाला भुनेंगे तब तक मेरा पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर उसी पैन को लेते हैं और 2 चम्मच ऑयल लेते हैं, जिसमें 2 प्याज है जिसको स्क्वायर में काट लिए हैं और 1 शिमला मिर्च, उसका अंदर का पार्ट निकाल दिए हैं और स्क्वायर में उसको काट लिए हैं, कली जैसा है, पंखुड़ी जैसा। तो इसको भी हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेते हैं, इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, बस केवल हल्का गुलाबी जैसा ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद फिर देखिए, अभी इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो हमारे पास ऑयल था उसी ऑयल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच ही डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इससे कलर अच्छा आता है। इसको अच्छे से ऑयल में मिला लेंगे और गैस मेरा ऑफ है गैस, उसी में हम इस सब मसाले को मिलाकर अच्छे से भून लेंगे। अब गैस को ऑन करके
उसमें जो हम पेस्ट बना के रखे थे प्याज और टमाटर का, अदरक लहसुन का, उसको मिला के अच्छे से मसाले को मिला लेंगे। अब इसको ढक ढक के 5 से 7 मिनट हम इसको पकने देंगे ताकि मसाला का जो मॉइस्चराइज़र होता है उसी से मसाला पक जाए, उसमें पानी या ऑयल ना डालना पड़े। तो ये है अपना देसी तरीका पनीर का सब्जी। ना इसमें क्रीम, ना इसमें दूध, ना इसमें दही और ना इसमें काजू और किशमिश, कुछ नहीं, अपना देसी तरीका कढ़ाई पनीर। तो इसको अब 5 से 7 मिनट ढक ढक के पकाते हैं मसाले को, ताकि मसाले से मेरा ऑयल छूटने लगे, तब तक पकाएं। तो काफ़ी हद तक मसाला पक चुका है। अब इसी मसाले में हम फिर जो खड़ा धनिया और दो लाल मिर्च को दरदरा कूट कर रखे थे या मिक्सी में दरदरा पीस के रखे थे, उसको भी इसी में मिला देंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसको फिर से ढक ढक के पकाते हैं, तो देखिएगा कि कैसे ऑयल छोड़ दिया है। देखिए मसाला पक के तैयार, मसाला अच्छे से भुन गया है और कलर भी मसाला का अच्छा आया है। तो चलिए अब जो छेना वाला पानी रखे थे जिसमें पनीर को सॉफ्ट होने के लिए रखे थे, उसी पानी को इसमें ग्रेवी के लिए डालते हैं। और ग्रेवी के लिए पानी आप अपने अनुसार डालिए, मेरे पास छेना का पानी था तो हम दाल में भी यूज़ करते हैं, रोटी के लिए भी उसी से आटा गूंथते हैं, या फिर सब्जी का जो करी है उसमें भी डालते हैं। आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी भी आप डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम खोलने देते हैं अच्छे से, एक बार उबाल आ जाए। इसमें नमक भी डाल दिए, अपने टेस्ट के अनुसार, आपको जैसा पसंद हो, फीका या मीडियम। चलिए इसको ढक देते हैं ताकि एक उबाल आ जाए। देखिए एक उबाल आ चुका। अब इसमें जो हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके रखे थे, उन सभी सब्जियों को इसमें मिला देंगे। अब इसको फिर से ढक के हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पकने देते हैं, ताकि हर चीज़ को एकदम ऑब्जर्व कर ले और टेस्ट को बढ़ा दे। तो मीडियम आंच है, देखिए अब इसमें ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें। देखिए एक सार हो गया। अब इसमें छोटी चम्मच से हम देसी घी, प्योर देसी तरीके से प्योर देसी घी छोटा चम्मच इसमें डालकर कवर कर देंगे थोड़े देर के लिए। फिर उसके बाद इसका दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बताइए सब्जी कैसा बना है, वो कढ़ाई पनीर है लेकिन हम बाउल में सर्व किए, क्योंकि मेरे पास कढ़ाई छोटा वाला सर्व करने वाला नहीं है, तो चलिए बाउल में ही निकाल दिए। तो कैसा लग रहा है सब्जी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके सब्जी का टेस्ट तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा दिख रहा है आप लोगों को।
चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।